हेलो गाइस, वेलकम बैक ऋषभ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम घर पे हैं और अभी मुझे जाना है मार्केट कुछ काम के लिए। तो अभी मैं खाना खाता हूँ, खाना खा के फिर चलते हैं। तो मम्मी ने बनाया आज मेरे लिए खाना। मैं अपनी मम्मी से बोला, मम्मी चलो मार्केट। मम्मी जा नहीं रही हैं, मम्मी सो रही हैं। चलते हैं मार्केट और मम्मी के लिए कुछ सामान लेके आना है, क्योंकि हमारे एक मामा जी, उनके यहाँ बात होने वाली है, तो उन्होंने कुछ सामान मंगाया था उनके लिए। चलते हैं मार्केट सामान लेने के लिए। तो आप बने रहें और देखते रहें शबाना ब्लॉग। अभी हो गए हम तैयार और हमारी मम्मी जी नहीं जा रही है मार्केट, मना कर रही है, बोली मेरी तबीयत सही नहीं, इसलिए तो अपन चलते हैं। तो मम्मी क्या क्या लेके आना है बता देना मेरे को फ़ोन करके, जो मंगाना है। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, तो निकलते हैं, मिलते हैं फिर आपको मार्केट में। अंकल जी, तो दिवाली के टाइम में क्या होता है कि घर में इतनी सारा साफ सफाई होती है कि काम कर जाता है। तो मम्मी जी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है और फिर मुझे जाना पड़ रहा, नहीं तो मम्मी जी मेरे साथ जाती। और कार अभी सही नहीं हुई है क्योंकि टाइम नहीं मिला कार सही कराने के लिए। कार भी ख़राब हो गई है, ब्लड भी ख़राब हो गई है, उसकी डिस्ब्रेक ना ब्लड की, तो वो दिक्कत दे रही है, वो अच्छे से मान दे रही है। तो किसी दिन फ्री होकर उसको भी कराना है। जब तक वो ठीक कराने के लिए समय चाहिए क्योंकि पूरा दिन लगेगा, इसलिए मैं बाइक से आया था। अभी करते हैं अपना काम और फिर मिलते हैं आपको। अभी मिल चुके हैं रेड लाइट और रेड लाइट पर आप लोग देख सकते हैं लोग खड़े हैं, पुलिस वाले भैया भी खड़े हैं, ये करते हैं वेट। हम पूछा वाले भैया के पास और देख रहे हैं सर के लिए पट के। तो आप लोग देख सकते हैं सामने जो लटक रहे हैं, इसमें से कुछ सैंपल हमने बेच चुके हैं उनके पास। तो अभी आ चुके हैं हम घर पे और घर पे आने के बाद मुझे लग रही है भूख, तो मैं अभी खाना नहीं खा रहा, पहले मैं जिम जाऊँगा उसके बाद आगे खाना खाएंगे। जब तक मैं अपनी डाइट लेता हूँ, तो मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ, तो मम्मी जी क्या बना रही हो आप? बरी आलू की सब्जी। मम्मी भी ऑयल गर्म कर रही है, तो चलते हैं फिर जिम तैयार होके। अपना मटरू आ चुका है, अभी मटरू भाई आ चुका है अपना, और हमारी भाभी जी भी आ गई हैं क्योंकि उनकी 2 दिन की छुट्टी है स्कूल की, इसलिए। मटरू भाई, सर्दी ठीक हो गई आपकी? हो गई, दवाई खाई थी? अच्छा, तो चले बाबा की दुकान चल रहे, चलो। अभी आ चुके जिम और धोनी भाई हमारे जिम कर रहे हैं, देखो मैं कर रहे हैं ट्रेडमिल पर रनिंग, मार रहे हैं बाइसेप्स अपने भाई लोगों के साथ। ये हमारे छोटे छोटे भाई, इनके साथ कर रहे हैं अपन बाइसेप्स, तो करते हैं बाइसेप्स। तो भी वर्कआउट हो गया डन, तो अभी चलते हैं घर पे और घर जाके लेंगे डाइट और साथ में खाना खाएंगे। तो जाके फिर मुझे अपना रूम भी सेट करना है क्योंकि 1-1.5 महीने से कुछ पढ़ नहीं रहे क्योंकि घर पे चल रहा था पेंट, इसलिए। तो चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको घर पहुंच के। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऋषभ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ब्लॉग कर रहे हैं थोड़ा लेट, क्योंकि आज मैं अपनी शॉप पर थोड़ा सफाई वफाई की थी, इसलिए। तो मैं पापा जी की शॉप से सफाई करके आया था, अभी ये वाली शॉप पर आ चुके हैं हम घर वाली पे, तो इसकी भी साफ सफाई की है क्योंकि दिवाली सीजन आ रहा है, इसलिए। तो आज गणेश जी लक्ष्मी और उन सबको ही उनको डेकोरेशन किया है। और तो अभी चलते हैं नहाने के लिए और फिर नहा के खाना खाएंगे, फिर शॉप पे आना है हमें कुछ और काम करने के लिए। गणेश जी बड़े जी जो लगा रहे हैं उनको शेड करना होता है पूरे डिब्बे डिब्बे में। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए, फिर मिलते हैं आपको। अभी नहा धो के हो गए हम तैयार और अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो मम्मी जी ने आज सब्जी दाल बनाई थी तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं सेब भाजी की सब्जी बना रहा हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको सेब भाजी की सब्जी किस प्रकार से बना रहा हूँ। देख सकते हैं अभी मैं अपनी ग्रेवी भून रहा हूँ और इसमें डालेंगे फिर दूध, फिर डालेंगे सेब एंड में, सबसे एंड में। अभी बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारी सेब भाजी की सब्जी बनके तैयार है, तो अभी बस खाना निकालते हैं फिर चलते हैं खाने के लिए। अभी खाते हैं खाना और खाना रेडी है, तो मैंने सब्जी बना ली थी, सलाद काट लिया, सेब भाजी की सब्जी, रोटी वोटी, अभी खाते हैं खाना। अभी खा लिया हमने खाना और ये मटरू हमारा उदम अच्छा रहा है, नंगा बाबा ये आता है और ये पड़ता नहीं है, मेरे को मारता रहता है। तो इसकी पुलिस के पास चलेंगे, शिकायत करेंगे इसको पुलिस से, ठीक है? पुलिस से शिकायत करें हम तेरी? बने नहीं रंगोली कर दूं भाई, कोई सोच रहा है। अब तेरे को पटाखे नहीं दिला के लाऊंगा शाम को। एको बोले दादा दे बोले दादा के और मैं बाबा लू के। ये क्या कह रहा है मेरे से, बाबा की दुकान चलना है, दुकान पे जाके वो तो मचाता है, इसलिए इसको दुकान नहीं ले जा रहे क्योंकि कस्टमर आते हैं, इसलिए कह रहा बाबू की दुकान चलना है, इसको नहीं ले जाएंगे। अगर ये गया ना दुकान पे आया ना, तो बच्चों वाली पुलिस बुला के इसको पुलिस को पकड़वा दूंगा अगर दुकान पे आया तो। अब दी वीडियो पुलिस के पास भेजूंगा, आपने हाथ चलाई ना, अभी भेजने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ पुलिस की, बच्चों में बच्चों वाली पुलिस पास जा रहा हूँ। मम्मी जी काट रही हैं रंगोली, इसी जगह लक्ष्मी पूजन होगा, इसलिए। तो मम्मी की हेल्प कराते हैं, आज अहोई माता है, अहोई अष्टमी, अहोई माता का दिन है आज,
इससे 8 दिन बाद लक्ष्मी पूजन होता है। तो मम्मी जी और मैं काट रहे हैं घर पर रंगोली, तो आप लोग देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं किस प्रकार से काट रहा हूँ। मैंने कभी स्कूल में तो सीखी नहीं है, तो मम्मी जी की थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं अपन। और ये काटा हमने गोल यहाँ से ऐसे, इसमें से निकाले हमने ऐसे, तो जैसे आता मैं वैसे काट देता हूँ। बढ़िया काट रहे हैं, देख ना सही बनाया मैंने। अच्छा इसमें बैठ बैठ तुम कर दो। आ चुके हैं भैया अपने पापा वाली दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद साथ में देख रहे हैं मैच और कस्टमर भी डील कर रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग है सबसे पहले, आप लोग देख सकते हैं इंडिया की बैटर रोहित शर्मा खेल रहा है, तो देखते हैं मैच। अभी आ चुके हम घर वाली दुकान पे, और घर वाली दुकान पे देखेंगे मैच अपने मोबाइल से, क्योंकि यहाँ टीवी जो है वाईफाई वाली नहीं है, तो इसलिए मैच में आ रहा है मजा, क्योंकि रन मार रहा है विराट कोहली, इसलिए सही है। तो देखते हैं मैच और फिर मिलते हैं आपको मैच देख के। तो अभी हम घर आए दुकान बढ़ा के, तो देख रहे हैं मम्मी जी और भाभी जी पूजा कर रही हैं अयोष्टमी माता की, तो अयोष्टमी माता का व्रत बच्चों के लिए रहा जाता है। और अभी हम देख रहे थे मैच, और मैच में देख रहे थे तुरंत जैसे ही रोहित शर्मा ने नया बॉलर लेके आया, अब वैसे ही विकेट जा चुकी है, 8वीं जीत की कगार पर है अपनी पे। और ये देखो बोल्ड होने वाला है, आए थे खाना खा के टहलने के लिए, तो भाई हमारा मैच देख रहा है और यहाँ पे एक और विकेट गिर चुकी है। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ढेर, इंडिया फिर से भी नहीं। देखो टहलने के लिए खाना खा के हमारे साथ आए हमारे दोस्त, जो काफ़ी दिन बाद मिले हमें, कम से कम 6 महीने बाद। तो अभी चलते हैं वॉकिंग करते हैं और बात।